हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ बहुत ही इफेक्टिव और 100% वर्क करने वाला पैक। दोस्तों, पिछले 10 दिन से मैं ये वाला पैक यूज कर रही हूँ और इसका रिजल्ट अमेजिंग है, इसलिए आज मैं ये पैक आपके लिए लेके आई हूँ। इस पैक से दोस्तों रिंकल और फाइन लाइन को आप बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं, पिगमेंटेशन को आप बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला पैक है कोलेजन बूस्टिंग पैक। दोस्तों, हमारे स्किन में कोलाजन ही होता है जो हमारे स्किन टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करता है, और जब ये कोलाजन हमारे स्किन पर कम होने लगता है, ये टिश्यूज ब्रेक होने लगते हैं, तभी रिंकल और फाइन लाइन आना शुरू हो जाता है। और जब हम अपनी स्किन को कोलाजन देंगे, जो इस पैक के अंदर मैं सब चीजें यूज कर रही हूँ, वो हमारे कोलाजन को बढ़ाएगा, तो फाइन लाइन, रिंकल और ये जो सब प्रॉब्लम है आपके फेस पर, सूजन, पफिनेस, इसको बहुत हद तक कम करके आपकी स्किन को एकदम से टाइट करके इतना ज्यादा ये आपकी स्किन पे ग्लो लाएगा कि आप यकीन भी नहीं कर सकते कि कितना अमेजिंग पैक है ये। ये पैक बनाना कैसे है, इसको लगाना कैसे है, चलिए वीडियो में देखते हैं। ये कोलेजन पैक बनाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये मैंने एक बड़ी चम्मच भर के अलसी को भिगो के रख दिया था। अगर आपको ये पैक रात को लगाना है तो आप इस सुबह भिगो के रख दें, और अगर आपको ये पैक सुबह लगाना है तो इसको रात को भिगो के रख दें। अलसी दोस्तों एक सुपर फूड है जो वेट लूज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मदद करता है हमारी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगी कि किस तरीके से आप इससे, अलसी से अपना वेट कम कर सकते हैं। तो वेट लूज करने के साथ साथ हमारी स्किन को अलसी बहुत बहुत अच्छा ग्लो देती है, और हमारी स्किन को टाइट करती है, और बहुत अच्छा इफेक्ट हमारी स्किन को देती है। हमारे जो पोर्स होते हैं उनको श्रिंक करती है, स्किन को फेयर करती है, और स्किन पर दोस्तों रिंकल आने से रोकती है। इसलिए आपने पहले भी देखा होगा अलसी के बहुत सारी चीजों में मैंने अलसी को यूज किया है, ये भी पैक में, उसमें, सब में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अलसी हमारी स्किन पर फाइन लाइन और रिंकल्स आने से रोकती है, और इसके अंदर नेचुरल कोलाजन होता है, नेचुरल कोलाजन जो हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बताया है, वो ही जुड़े होते हैं कोलाजन की वजह से, और जब वो सेल्स जुड़े होते हैं या लूज होने लगते हैं तो हमारी स्किन पर एंटी एजिंग शाइन आने लगे, झुर्रियां, पिगमेंटेशन, झाइयां, सब कुछ हमारे फेस पर आने लगती है। तो सबसे पहले ये आपको एक चम्मच भर के अलसी इस तरीके से आपको सुबह भिगो के रख देनी है, या शाम को, जिस टाइम भी आपको पैक लगाना हो। उसके बाद दोस्तों मैं इसके अंदर क्या मिक्स करने जा रही हूँ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैं इसके अंदर मिक्स करने जा रही हूँ एक चम्मच भर के हनी। ये देखिए, मैंने एक चम्मच भर के इसके अंदर हनी मिक्स कर दिया है। हनी नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट और नरिश करता है, और हमारी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम आने से रोकता है, जो भी एजिंग प्रॉब्लम होती है। अब इसमें तीसरी चीज जो दोस्तों मैं ऐड करने जा रही हूँ, आप ध्यान से देखें, ये मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच चावल का आटा। अपनी बहुत सारे पैक्स में मैं चावल का आटा यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक ऐसी चीज है, ये मेरे लिए नहीं, एक्चुअली सभी के लिए एक ऐसी चीज है दोस्तों। ये चावल के आटे में बहुत ज्यादा मात्रा में एंटी एजिंग और स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टी होती है, मैं बहुत बार वीडियो में आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, कोरियन स्किन पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी स्किन मानी जाती है, उनका मेन सीक्रेट दोस्तों ये चावल का आटा ही है। इसके ये चावल का आटा हमारी स्किन को इतना टाइट कर देता है, और उसमें फाइन लाइन और रिंकल्स को आने से रोकता है। तो इसके अंदर ये मैंने चावल का आटा मिक्स किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसके अंदर मैंने अभी हनी मिक्स किया है। और दोस्तों अब इसके अंदर मैं मिक्स करने जा रही हूँ, ये देखिए, 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल, 2 विटामिन ई के कैप्सूल, आप चाहे बादाम तेल का ऐड कर सकते हैं, या तो फिर आप जैतून का तेल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा नारियल तेल भी मिक्स कर सकते हैं, आधा चम्मच। तो इसके अंदर ये मैंने विटामिन ई के 2 कैप्सूल डाले हैं, आप अपनी, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो इसके अंदर आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक जगह हो गया है, लेकिन ये हमें इसका पैक बनाने के लिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक छोटा सा साफ जार ले लिया है, और उसके अंदर मैं ये सारा निकाल लेती हूँ। अब आपको ये पैक लगाना कैसे है, किस तरीके, कितनी देर ये आपको रखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें इसको पीस लेना है दोस्तों, अब मैं इसको पीस लेती हूँ। ये देखिए, मिक्सी जार में पीसने के बाद ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और इस तरीके का होगा। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ, और आपको बताती हूँ इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों इतना बेहतरीन पैक मैंने आपको बताया है कि आपकी स्किन के सेल्स, जो भी डेड सेल्स है, या जो भी डेड सेल्स में थोड़ा सा एज बढ़ने लगती है तो ढीले पड़ने लगते हैं, उनको टाइट करने के लिए, हमारी स्किन को लिफ्ट करने के लिए, टाइटन के लिए, फाइन लाइन, रिंकल्स, पिगमेंटेशन को कम करने के लिए सबसे बेहतर बेहतर पैक मैंने आपको बताया। तो आप इस तरीके से पैक बना ले, और पैक बना के आप इसको एक बार बना के रख सकते हैं, कम से कम 4 से 5 दिन का। तो इस तरीके से आप पैक बना के रखें दोस्तों, और इसको आप
बहुत अच्छा है अगर आप इसको रात को यूज करें, क्योंकि पिछले 10 दिन मैंने इसको लगातार यूज किया है और आप यकीन नहीं मानेंगे मेरी स्किन में मिरेकल चेंजेस आए, इसीलिए आपके लिए पैक लेके आई। तो आप अपने फेस को अच्छे से साफ करके धोके किसी भी फेस वॉश से जिससे भी आप करते हो, और आपको इसकी एक अच्छी सी थिक लेयर इस तरीके से अपने फेस और गर्दन पे दोस्तों लगा लेनी है। इसकी एक अच्छी सी थिक लेयर लगातार आपको ये 15 दिन करना है। लगातार 15 दिन अगर आप ये वाला पैक अपने फेस पर लगाते हैं तो उसके बाद आप मेरे इस पैक के बारे में अपने कमेंट्स करने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन पैक मैंने आज आपको ये बताया है। जितना अलसी दोस्तों हमारे बॉडी पर काम करती है, इतना ही हमारी स्किन पर भी काम करती है, इसलिए मैंने इसकी बहुत सारी वीडियो बना के डाली है पहले भी। अलसी के जेल का एक मैंने बीट रूट मैंने आपको क्रीम भी बताया था, जेल भी बताया था, वो भी बेहद इफेक्टिव है। मैं ये सब चीजें यूज करती हूँ। तो इस तरीके से आपको इसका एक थिक लेयर पूरा अपने फेस और नेक पे लगा लेनी है और इसको आपको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। दोस्तों 20 मिनट के बाद दोस्तों जब थोड़ा सा आपका फेस और आपका ये थोड़ा सा सेमी ड्राई हो जाए, तो बस आपको इसकी 2-4 मिनट के लिए इस तरीके से एक हल्की सी मसाज देनी है। मसाज मैं इसलिए हमेशा आपको बताती हूँ दोस्तों, मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि आप डायरेक्ट लगाओ और उसको रिमूव कर दो, क्योंकि जो भी ऊपर हमारी स्किन पे धूल मिट्टी पॉल्यूशन जो भी होता है वो एक मसाज से निकल जाता है। प्लस आपके जो भी ओपन पोर्स होते हैं, गंदगी तो निकलती है, ओपन पोर्स बंद होते हैं तभी आपकी स्किन टाइट होती है। तो हमेशा आप इस तरीके के अगर पैक लगाते हैं तो उसके को एक हल्की सी 2-3 मिनट की मसाज के बाद दोस्तों इस तरह से राउंड सर्कल में आप मसाज दें। मतलब मैं अपने हाथ पे ही अभी आपको करके दिखा रही हूँ और इसका ग्लो देखिए अभी से कितना हाथ पे आने लगा है। अभी मैंने वॉश भी नहीं किया है तो आप सोच भी नहीं सकते कितना अमेजिंग पैक मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो अच्छे आप इस तरीके से राउंड सर्कल में दोस्तों इसकी एक अच्छी सी मसाज दें। ध्यान रखिए 15 दिन आपको लगातार इस्तेमाल करना है। बस 5-4 मिनट की इस तरीके से आप एक मसाज देके अपने फेस को आप वॉश कर लें। ये देखिए दोस्तों एक सिर्फ 4-5 मिनट की मसाज के बाद मेरे हाथ पर, अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, मेरे हाथ बिल्कुल क्लियर है, कितना जबरदस्त ग्लो मेरे हाथ पे आ गया है फर्स्ट टाइम में। तो आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि अगर आप इसको लगातार 15 दिन अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो आपके फेस को गारंटीड ये आपकी फाइन लाइन आधी कम कर देगा, आपके दाग धब्बे बहुत कम कर देगा और आपकी सबसे अच्छी चीज आपकी स्किन को टाइट कर देगा। तो दोस्तों ये पैक आपको लगाना ही है 15 दिन, और इसके बारे में आपके जो भी कमेंट्स है मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मुझे भी पता नहीं लगता कि मुझे कितना अच्छा और काम करना है, और बहुत सारा काम करना है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और हाँ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है वो आपके पास आ जाएंगी। और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ये देखिए दोस्तों इस पे कितना ज्यादा एजिंग साइन आपको दिखाई देंगे और इसके कितने कम आपको एजिंग साइन दिखाई देंगे। तो मिरेकल पैक आप जरूर यूज कीजिए। थैंक यू।